था मेरा घर पे 7 बजे तक था साहब। 7 बजे निकला साहब खाना वाना खा लेके। इसके बाद मुझे घर पे 8:45 या 9 बजे फ़ोन आया साहब, बच्चा आपका दवाखाने में दूरेश्वर में। तो मेरे को कुछ ना हुआ, फौरन दवाखाने को गया साहब। दवाखाने को गया था, वहाँ पता चला कि लोग 4-5 ने मिल के मारे, बच्चा गाड़ी पे से गिर गया, मारे लड़ी हुई बोल के सुना। वो कौन बच्चे है क्या है मेरे को नहीं मालूम साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ साहब, इसकी तहकीकत कीजिए जाए साहब, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है साहब। आप सबसे गुजारिश है साहब, पुलिस से गुजारिश है साहब, आप न्यूज़ चैनल वालों से गुजारिश है साहब, मेरी या मेरा बच्चा सीरियस है साहब, इसके लिए कुछ कीजिए साहब, होश में आ जाए मेरा बच्चा अच्छा सेहतमंद हो गया। तो मेरे अल्लाह, क्या नाम है बच्चे? मेरा बच्चे का नाम मोहम्मद अदनान है साहब। कहाँ के रहने वाले साहब? मैं डबिलपुरा परतनगर। क्या काम करता बच्चा? मेरा बच्चा कॉलेज स्टूडेंट है साहब, सेकेंड ईयर करा हुआ था साहब। अब पास है, अब 18 ईयर्स 19 ईयर्स कर रहा साहब। लड़ने की वजह क्या है? लड़ने की वजह नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। बच्चा 7 बजे खाना वाना खा लेके घर के गया, 9:45 को फ़ोन आया कि बच्चा तुम्हारा दवाखाने में। मैं दवाखाने में पहुँचने के बाद में मेरे को कुछ बच्चे मुझसे मालूम हुआ, बोलने लगे कि वहाँ 4-5 जने मिल के मारे। वो कौन बच्चे है क्या है बस मेरे को इतना अभी जानकारी पक्की नहीं है साहब। बस कौन बच्चे है, 4-5 बच्चे मिल के मारे बोल के मालूम है साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से, पुलिस से गुजारिश करता हूँ, मीडिया से गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए साहब। मेरा बच्चा सीरियस है साहब। मेरा बच्चा अच्छा है। हम दुरेश्वर से साई हॉस्पिटल गए, साई हॉस्पिटल से उस्मानिया आए, श्री साई हॉस्पिटल गए। अभी बच्चा बहुत सीरियस है, चंचलगढ़ के 4 बच्चों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। कौन बच्चे है क्या है? अभी डबल प्राप कर रहे हैं अपना काम। हम कमिश्नर पुलिस और तेलंगाना के सीएम साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, नहीं ऐसा कुछ, कोई हमला नहीं है। स्टूडेंट बच्चा था, क्या आपस में इतनी क्या खुशमत थी नहीं मालूम। इस तरह हैदराबाद में इस तरह के वाक़ात होंगे तो अपने बच्चों को कैसे सेव करें? हमारे सीपी साहब से हमारी पुरजोर अपील है कि इसको बहुत सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इनको हम, वो भी बच्चे हैं, लेकिन ये शहर में इस तरह नहीं चलेगा। एक बच्चा 7:30 बजे जाता है और 9 बजे सीरियस हो जाता है, दवाखाने में सीरियस है, ये कब तक चलेगा शहर में? आए दिन इस तरह चल रहा है, कौन करेगा इसका मसले का हल कौन करेगा? आए दिन रोज़ ये केसेस हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे के साथ हो गया है, आज बहुत सीरियस है बच्चा, डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हमारे। मैं गुजारिश करता हूँ साहब, होम मिनिस्टर सीएम साहब से, हमारे असदुद्दीन साहब से, अकबरुद्दीन साहब से गुजारिश है साहब, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है। उस्मानिया दवाखाने में पहले दूरेश्वर गए, दूरेश्वर से साई से उस्मानिया है साहब। मेरा गुजारिश है, मेरा बच्चा बहुत सीरियस साहब। आप कुछ जानने वाले अनजान बच्चे नहीं पहचानता हूँ साहब मैं अभी, वो कुछ मेरे को मालूम नहीं है, मगर लोगों से मालूम है साहब। 4-5 क्यों नहीं साहब, ये दोस्त है, दोस्तों के साथ में आए, बच्चा बता सकता है तो बच्चा बताएगा। चंद उसके दोस्तों की तरफ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बच्चों ने बयान दिया कौन कौन बच्चे थे उनको पुलिस दोस्त आते पुलिस डब्ल्यू प्रा पी एस पे लेके आए हैं, अब ये वो कार्रवाई कर रही है। हम भी पूरी तरह नहीं बता सकते कुछ भी, हम सिर्फ दवाखाने में परेशान हाल है। हम बस पुलिस से और मीडिया से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप, हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तियाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जन प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933985045011120। हुसैनी आलम कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।